क्या कितने बता, मुझे फोन लिया था ना, कितने का लिया, कितने कितने का दिया, सच बताइए, बिल्कुल सच, अगर झूठ बोला थे तुम बकर। देखिए दोस्तों, सब्जी मंडी में जो है ना पहली बार, ये देखिए फर्स्ट टाइम भाई दशहरी आम चल चुका है इस सीजन का। कहाँ का आम है भाई? मैं मिर्जू सिंह की साइड और इनसे सब्जी लेता हूँ भाई साहब। हरी मिर्च क्या रेट है? हरी मिर्च मेरे भाई 60 रुपए, 60 रुपए किलो है। सही लगा लियो यार, 60 रुपए नेट कर दे। फाइनली दोस्तों भाई साहब, जो सब्जियाँ लेनी थी मैंने ले ली है भाई साहब। मैंने लिया है लौकी लिया है मैंने, शिमला मिर्च ली है, और लिया मैंने मटर लिया है, खीरा लिया है, और आज फर्स्ट टाइम जो है ना मैंने करेला भी लिया है और नींबू लिया है। नींबू अब जो है ना गर्मी हो गई है, काफी कस्टमर जो है ना अब नींबू मांगते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? वापस से स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो फाइनली दोस्तों अभी निकल चुका हूँ भाई साहब सब्जी मंडी के लिए, और अभी खड़ा हूँ रास्ते में, और ये खड़ी अपनी बाइक, और ये अपना हेलमेट भाई साहब। हेलमेट मैं हमेशा लगा के जाता हूँ और हेलमेट लगा के भी आता हूँ, और जब मैं सब्जी बेचता हूँ उस टाइम हेलमेट नहीं लगाता हूँ, क्योंकि भाई साहब आवाज़ भी लगानी पड़ती है और कस्टमर के साथ बात भी करनी पड़ती है। तो अभी खड़ा हूँ रास्ते में, अभी थोड़ा सा दूर रह गया है, और व्लॉग मैंने रास्ते में ही शुरू कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना मंडी में, सब्जी मंडी में काफ़ी शोर होता है, इसलिए मैंने रास्ते में ही व्लॉग को शुरू किया है। तो चलिए भाई साहब यहाँ से चलते हैं सीधा रास्ते से, और आपको मिलते हैं सीधा सब्जी मंडी में, देखते हैं आज क्या क्या रेट चले हुए हैं, और प्लस क्या क्या सब्जियाँ लूँगा, और कितने की लूँगा, और उनको कितने की सेल कर पाऊँगा, आज की वीडियो में दिखाऊँगा। अभी वीडियो पर बने रहना। तो पहुंच चुका हूं अभी सब्जी मंडी में, और ये जो क्रेट थी ये केले की थी कल की, इसको जमा कर देता हूं, और अपने संतराम भाई मिले हैं। हाँ जी भाई जी, कैसे हो? आप कैसे हो? क्या क्या लिया सब्जी? लंबा कद्दू, प्याज। लंबा कद्दू, प्याज लिए, और तो नहीं कुछ लिया? चलो, और कद्दू क्या रेट लिया? कद्दू तो 22 रुपए दे रहा है। 22 रुपए किलो पड़ा। अच्छा, तो अभी इस क्रेट को जमा कर देता हूँ, ये जो केले की थी अभी इसको जमा कर देता हूँ, और ये बोरे उठाता हूँ, और फिर सब्जियाँ लेता हूँ, देखता हूँ अभी क्या क्या सब्जियाँ लूँगा। ये लो भाई प्रेम, अपने क्रेट। और कैसे हो? बढ़िया भाई। केला कितने का आज? केला बिक रहा भैया 500 रुपये का। 500 का 10 दर्जन वाला? 8 वाला भी है? 8 वाला नहीं है। अच्छा, 8 वाला ही है, 500 के ये? 500 का है, कुछ हो जाएगा 10-20 के गुंजाइश। अच्छा चलो लगा दे। अच्छा ठीक है। तो अभी ली है मैंने सबसे पहले ये केले की क्रेट, और इसमें है 10 दर्जन केले भाई साहब, 500 रुपये की बोल रहे हैं प्रेम भाई जी, है ना, वो बोल रहे हैं कि चलो 5-10 रुपये मैं कम कर दूँगा आपके लिए। तो उसके बाद देखता हूँ भाई साहब अभी क्या सब्जी लूंगा। चलिए अभी मिर्जू की साइड चलता हूँ, देखता हूँ उसने अपनी दुकान लगाई है या फिर नहीं। आज देखिए दोस्तों सब्जी मंडी में जो है ना पहली बार, ये देखिए फर्स्ट टाइम भाई दशहरी आम चल चुका है इस सीजन का। कहाँ का आम है भाई जी? गुजरात। गुजरात का है? गुजरात का भाई जी, गुजरात का। अच्छा, खाने में कैसा है? मीठा। ये देखिए दोस्तों भाई साहब पहली बार आज आम आया है सब्जी मंडी में दशहरी वाला। तो अभी आ चुका हूँ मैं मिर्जू सिंह की साइड, और इनसे सब्जी लेता हूँ भाई साहब। हरी मिर्च क्या रेट है? हरी मिर्च मेरे भाई 60 रुपये, 60 रुपये किलो है। सही लगा लियो यार, 60 रुपए नेट कर देंगे। चलो ठीक है, लगा लियो, 5-4 रुपए और कम है। तो अभी मैं सबसे पहले हरी मिर्च पा लेता हूँ इनके पास से, और ये देखे अपने सर्वर भाई भी हरी मिर्च डाल रहे हैं। भाई साहब कितने लोगे? कितने 4 किलो? अच्छा 4 किलो लेनी, चलो ले लो। ये भाई साहब देखिए जरा कितनी हुई, 2 किलो ही यार, थोड़ी 100 ग्राम मैं और कम कर देता हूँ। चलो और कम कर देते भाई साहब, 100 ग्राम 2 किलो 50 ग्राम ले लो, ठीक है 2 किलो लिख लो उसको। तो अभी सबसे पहले जो है ना 2 किलो हरी मिर्च ली है, और भी कुछ सब्जियां लेता हूँ, और उसके बाद आपको मिलता हूँ अभी। तो फाइनली दोस्तों भाई साहब जो सब्जियां लेनी थी मैंने ले ली है भाई साहब। मैंने लिया है लौकी लिया है मैंने, शिमला मिर्च ली है, और लिया मैंने मटर लिया है, खीरा लिया है, और आज फर्स्ट टाइम जो है ना मैंने करेला भी लिया है, और नींबू लिया है। नींबू अब जो है ना गर्मी हो गई है, काफ़ी कस्टमर जो है ना अब नींबू मांगते हैं, और हरी मिर्च ली है, टमाटर लिया है, और फ्रूट में केला लिया है। और लौकी की बात करें, लौकी मेरे को पड़ी है 15 रुपये किलो, और शिमला मिर्च ली है मैंने 30 रुपये किलो, और मटर ली है 40 रुपये किलो, और नींबू मिला मेरे को 130 रुपये किलो, टमाटर मिला है 30 रुपये किलो, और हरी मिर्च ली है भाई साहब मैंने 60 रुपये किलो, और ये जो केला फ्रूट में केला है, केला लिया है मैंने 500 रुपये बोल रहे हैं, शायद 10-20 रुपये कम कर लेंगे 400 से, अभी मैंने उनको पेमेंट नहीं किया ना, अभी पैसे नहीं दिए हैं, तो 480 रुपये का शायद वो देंगे मेरे को। और खीरा मैंने लिया है 15 रुपये किलो। तो अभी इन सब्जियों के मैंने पैसे नहीं दिए हैं, तो चलिए अभी इन सब्जियों की पेमेंट कर देता हूँ। प्रेम भाई कितने का हुआ केला? केला भाई 470 रुपये। ये लो भाई जी केले के पैसे काट लो।
सुबह जब मैंने प्रेम भाई से केला पूछा था ना तो उसने बताया था 500 रुपए का, बट उसने अपनी मर्जी से ही जो रेट दिखा है उसने जो रेट सबको दिया है 470 रुपए का केला उसने मेरे को दे दिया है, तो मैंने उनकी पेमेंट कर दी है और अभी सिर्फ रह चुकी है मिज्जू सिंह की पेमेंट, जिसने मिज्जू से मैंने जो सब्जियाँ ली है अभी उन सब्जियों को भी उनकी पेमेंट कर देता हूँ। तो पहुँच चुका हूँ अभी मिज्जू सिंह की दुकान पे। हाँ जी भाई जी, बिल बना दो भाई जी मेरा, कितना हुआ? तरबूज चाहिए जी। नहीं यार, हम इसी जगह खड़ा रहेंगे। ये है मेरे बिल। तो मेरा जो बिल बना है ये बना है 310 रुपए का। ये देखिए ये लो भाई मिज्जू, 310 रुपए पूरे, ठीक है ना? ओके, तो सभी के पैसे दे दिए मैंने, पेमेंट कर दी है, मतलब जो मैंने सब्जियां खरीदी थी मैंने सभी के पैसे दे दिए हैं। बस अभी चलता हूँ भाई साहब घर पर और इन सब्जियों को बेच कर देखता हूँ आज इन सब्जियों को कितना टाइम लगेगा बेचने में और कितने का प्रॉफिट होगा। तो फाइनली दोस्तों अभी इन सब्जियों को लेकर मैं आ चुका था घर पर और घर पर से मैंने जो है ना भाई माइक और तराजू वगैरह बांध लिया था और अभी इनको बेचने निकल चुका हूँ अपने ही मोहल्ले में। और अपने तस्लीम भाई मिले हैं छोटे से, क्या लेना भाई जी? भाई आधा दर्जन केले दे दो। आधा दर्जन देने? जी भाई। अच्छा, तीन और तीन छह, ये लो भाई जी। ठीक है भाई जी, ठीक है भाई जी, ओके। तो अभी जो है ना मैंने अपने मोहल्ले में भाई साहब 300-350 रुपए की सेल कर दी है और सबसे ज्यादा फ्रूट में केला बिक जाता है क्योंकि फ्रूट और मैं लेके नहीं आता ना, फ्रूट में सिर्फ केले लेके आता हूँ तो कस्टमर जो है ना फिर केला ही ले लेते हैं और एक दो सब्जी और भी की है। तो चलिए दोस्तों बस अभी मैं जो है ना इस साइड चलता हूँ अपने मोहल्ले से, अभी मैं अपने गाँव में नहीं गया हूँ, बस अपने मोहल्ले में ही मैंने सब्जी बेची है और अभी जाता हूँ दूसरे गाँव में, वहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा एक बस्ती है वहाँ पर उस बस्ती में बेच कर फिर आऊँगा फिर दोबारा गाँव में। तो चलिए पहले उस बस्ती में चलते हैं। क्या कितने बताओ, मुझे फोन लिया था ना, कितने का लिया? कितने कितने का दिया सच बताइए, बिल्कुल सच, अगर झूठ बोला थे तुम बगर, कितने का लिया जी? में लौकी है, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, मटर है और करेला, नींबू, खीरा, हरी मिर्च, टमाटर और फ्रूट में केला। नींबू कितने? 10 रुपए का नींबू दे दो। और दस के देने? बस 10 के तो फिर यही आएंगे, दो रखियो, दो यही आएंगे 10 रुपए के, बल्कि ज्यादा है, खाता नहीं कोई। चलो नींबू गिरेगा नीचे, करेला, हरी मिर्च 20 रुपए की, 100 रुपए हो गए आपके, ठीक है। दोस्तों अभी इस बस्ती में मैंने काफी सारी सब्जियां बेच दी आपने देखा है और इस बस्ती में कम से कम भाई साहब 250-300 रुपए की सेल हुई है और अभी मैं जा रहा हूँ फिर दोबारा फिर अपने गांव में जाऊंगा। और अभी भाई साहब सुबह के जो है ना 10:20 हो चुके हैं और मैंने कम से कम जो है ना 900-1000 रुपए की सेल कर दी है इन सब्जियों की। तो चलिए अभी अपने गांव में चलता हूँ और फिर देखता हूँ और अभी इन सब्जियों को कितना टाइम लगता है बेचने में, और फिर वरना दोपहर में तो नहीं बेचूंगा ना, दोपहर में सब्जियाँ दिखती नहीं है भाई क्योंकि आजकल काफ़ी गर्मी हो गई है, कस्टमर जो है ना लेडीज जो है ना काफ़ी आराम करते हैं घर पे दोपहर में जो है ना, फिर शाम को बिकती है और जो सुबह सुबह जो बिक गई ठीक है वरना फिर जो बचेगी शाम को बिक जाएगी। तो चलिए अभी अपने गांव में चलता हूँ और देखता हूँ वहाँ भी कितनी इन सब्जियों को बेच पाऊंगा मैं। दोस्तों अभी इन सब्जियों को बेचने आ चुका था अपने गाँव में और मैंने सारी सब्जियाँ जो है ना काफ़ी पूरे गाँव में मतलब सब्जियाँ मैंने सेल कर दी है और सब्जियों में जो है ना खीरा खत्म हो गया और करेले पूरे जो है ना करेले पूरे खत्म हो गए और फ्रूट में भाई साहब केला पूरा खत्म हो चुका है। तो अभी जो है ना दोपहर के 12:30 बज चुके हैं भाई साहब और मेरे को जो है ना शादी में जाना था, पास में एक गांव है पैदल चला जाऊंगा मैं, पास में ही है ना गांव। तो चलिए भाई साहब अभी शादी में जाऊंगा तैयार होके और शादी अटेंड करके और इन सब्जियों को जो अभी बची हुई है फिर इनको शाम को फिर सेल करूंगा। दोस्तों फाइनली अभी इन सब्जियों को लेकर फिर आ चुका हूँ मैं भाई साहब शादी में से, मैं आ गया था और शादी में मैं खाना खाने गया था और उसके बाद थोड़ा सा आराम किया है और घर वालों ने जो है ना सब्जियाँ काफ़ी जो है ना घर पर ही सेल कर दी है, जो मेरे पड़ोसी थे वो घर से ही लेकर चले गए थे, काफ़ी सब्जियाँ उन्होंने बेच दी है और अभी मैं फिर आ चुका हूँ सब्जियों को लेकर तीसरे गाँव में। अभी ये तीसरा गाँव है भाई साहब और अभी
शाम के जो है ना 3:40 हो चुके हैं और मैंने कुछ कुछ सब्जियां भी सेल की है और कुछ घर वालों ने कर दी है। और सब्जियों की बात करें भाई साहब, सब्जी में जो है ना लौकी ख़त्म हो गई है और सिर्फ जो बची है थोड़ी सी मटर 3-3.5 किलो बची है भाई साहब, और शिमला मिर्च तो सिर्फ 0.5 किलो बची है और 0.5 किलो हरी मिर्च बची है और थोड़े से टमाटर बची है। तो चलिए अभी इनको भी देखता हूँ इस गाँव में ये सब्जियाँ बिक पाएगी या फिर नहीं, अगर नहीं बिक पाएगी तो फिर कल बिक जाएगी। तो दोस्तों अभी शाम के 5 बज गए हैं भाई साहब और इस गांव में जो है ना मैंने थोड़ी बहुत सब्जी सेल कर दी है, तो मेरे पास जो बचा है बस थोड़ी सी मटर बची है, हरी मिर्च और थोड़े से टमाटर बचे हैं और शिमला मिर्च वगैरह जो है ना यहीं पर मैंने ख़त्म कर दी है। तो चलिए बस अभी चलता हूँ घर पर भाई साहब और देखता हूँ आज मैं सब्जियाँ कितने की लेकर आया था और प्रॉफिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और आज मैंने जो है ना सब्जियाँ जो है ना काफ़ी भाई साहब उधार में दी है, काफ़ी उधार चला गया है आज मेरा। देखता हूँ घर पर चलकर, घर पर ही मिलता हूँ आपको, अब पैसे गिनकर देखता हूँ प्रॉफिट हुआ है या फिर दोस्तों नहीं। अभी इन सब्जियों को बेच कर आ चुका हूँ भाई साहब मैं घर पर और आज जो है ना काफ़ी मैंने सब्जियाँ उधार बेची है, तो मैंने ये पैसे जो है ना गिन लिए हैं। जो आज मैं सब्जियाँ लेके आया था 1950 रुपये की मैं सब्जियाँ लेकर आया था और ये जो मैंने पैसे गिने ये हुए हैं 2020 रुपये, तो जितना का प्रॉफिट मेरे को बहुत कम हुआ है और जो मेरा प्रॉफिट है सारा का सारा उधार में चला गया है। देख सकते हैं भाई साहब आज जो है ना मैंने काफ़ी उधार सब्जियां बेची है और पूरा दिन ऐसे ऐसे सब्जियां बेचता हूं मैं, देखते हो आप वीडियो में। तो अगर आपको आपके भाई की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय हिंद।